वेलकम टू माय ब्लॉग। आज मैं आपको सीएनसी बेंडिंग मशीन के टूल बनाने सिखा रहा हूँ। डाई पंच बोलते हैं जिन्हें, जो मशीन चलती है जिससे बेंडिंग मशीन, ठीक है। कंट्रोलर नंबर 53 के साथ अगर किसी भाई को बेंडिंग मशीन के टूल सीखने हैं तो इस वीडियो के माध्यम से सीख सकते हैं। हम गए यहाँ पे मशीन में, मशीन को हमने टच किया। यहाँ पे हमारे आ गए पंच डाई, ठीक है। पंच पे हमें न्यू प्रोग्राम बनाना है। न्यू प्रोग्राम पे हम गए यहाँ पर, हमारा ये मांग रहा है पंच नंबर, नाम मांग रहा है। माना कि हमारे पंच का नाम है गुजनेक, ठीक है। गुजनेक पंच PH, ठीक है। हमने एंटर किया, हमारे पंच का नाम होगा गुजनेक। हमने किया एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने पर हमारे पंच की हाइट मांग रहा है, एंगल, रेडियस, विड्थ, रेजिस्टेंस, ठीक है जी, ये मांगता है। इसमें डालना है हमारे जो बेंडिंग मशीन की क्लैंप की हाइट होती है, यहाँ से ये 100 mm होती है। और पंच की डिस्टेंस हम चेक करते हैं, यहाँ से, ठीक है। ये यहाँ से चेक होती है, ये आ रही है 95.2 और 100 mm, 195 mm डालेंगे हम इसमें, 195.2 डाल दिया हमने। फिर आ गया एंगल। एंगल है ये 85 डिग्री। रेडियस है इस पंच का 0.5। पंच की विड्थ आती है इसकी 8 mm, ठीक है। हमारा पंच बन के तैयार हो चुका है। अब जाएंगे हम एंड पे। अब हमारा गुजनेक पंच के नाम से ये हो गया। बाकी स्टेट पंच है, ये स्टेट पंच के नाम से आप डाल सकते हो उसे, जो मैंने इसकी हाइट चेक करी है, ठीक है। इसके बाद मैं बताना चाह रहा हूँ आपको बेंडिंग मशीन की डाई, बॉटमिंग डाई को हम टच करेंगे। हमारी डाई बनी हुई है 8, 12, 16, 25, तो हमें एक न्यू डाई और बनानी है 16 की, ठीक है जी। 16 की डाई बनाएंगे हम। न्यू पे गए, न्यू पे टच किया, ये डाई नंबर मांग रहा है। ये बना देते हैं हम एक्यूड वाली, मैंने एक्यूड का नाम डाल दो या जो भी आपकी डाई होती है, ठीक है। 80 डिग्री में बनाएंगे हम इसको, 16 mm, साठ डिग्री, साठ डिग्री की हो गई है, ठीक है। एक्सेप्ट करते हैं हम इसमें। एक्सेप्ट करते ही ये आ गई विड्थ में, ये वाली सोफी जी, ये डाई आ गई हमारी 16 की विड्थ मांगता है ये, यानी कि चौड़ाई इसकी 52.8। अब 52.8 डाली हमने, विड्थ डाल दी। ये आ रही है बेंडिंग की इसकी हाइट। हाइट हम चेक करेंगे ऐसे बेस के ऊपर रख कर, जैसे भी आपको चलानी है, ये ऐसे करके डाई की हाइट आ रही है 110.5। एंटर दबाया हमने, ये मांग रहा है रेडियस। रेडियस आ रहा है हमारा 0.5 का। ये मांग रहा है वी एंगल। डाई है हमारी 85 डिग्री। वी की ओपनिंग है हमारी 16 mm, ठीक है जी। स्टैंडर्ड ही रखेंगे हम इसको। बाकी रेजिस्टेंस तो 0.30 रहता है। अभी हमारी डाई बन चुकी है।
ठीक है। अब हमें इसे प्रोग्राम को चालू करना है। प्रोग्राम को चालू करने के लिए हम मैनुअल में भी ट्राई कर सकते हैं, ऑटो में भी ट्राई कर सकते हैं। ऑटो में बाकी आपको तो वीडियो मैंने बता ही रखी है, और मैनुअल की भी। पंच को हमें सेलेक्ट करना है यहाँ से, स्टेट पंच। अब हम गए, गुजनेक पंच चलाना है हमें। ये पंच ट्राई किया, गुजनेक पंच लिखा गया जो हमने बनाई थी, और डाई पे टच किया, और डाई आ गई हमारी 16 mm की डाई। ये टच करी, ये आ गई 16 mm की डाई। ठीक है, मशीन स्टार्ट करो, और मशीन आप